बोलिए। कुछ और आप लोग लास्ट क्लास में जो किए थे आप लोग, 26 नंबर का होमवर्क था। बोलिए मृगांका, संचिता, सिमरन, अवशार, और ये कौन है? 918। नाम नहीं लिखे अपना, नाम लिखिए अपना। बोलिए। लिखिए फॉर्मूला, लिखिए आप लोग मैट्रिक्स में कुछ फॉर्मूले जो काम आएंगे आगे। एक है ए इंटू ए इनवर्स, या ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है बताइए? आई मतलब आई की मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई। अगर ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए इंटू आई, आई इंटू ए क्या होता है बताइए? ए। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इंटू आई। तो ए स्क्वायर इंटू इनवर्स क्या होता है बताइए? आई ए होता है। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया आपको हम लास्ट क्लास में? 1/8 डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या बताया था आपको? कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो बोलिए ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? इनवर्स इंटू ए आई, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? ए। ए इंटू आई या आई इंटू ए क्या होता है? ए। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू आई, ए हो जाएगा। अच्छा, ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा बताइए? आई से कुछ भी मतलब सेम आएगा, आई ए इनवर्स इंटू आई या आई इंटू ए इनवर्स क्या आएगा बताइए? इनवर्स। समझ गए? ठीक है तो छह बजे हो गया तो उसके बाद लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नंबर 19, 18 नंबर, 18 नंबर देखिए। ए कितना दिया बताइए पहले? यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सिक्स ओ क्लॉक, 5 4 -2, 4 5 -2, -2 -2 -2 2 2। ठीक है, तो पहले आप ए स्क्वायर निकालिए। माइनस कितना बताइए? 11 a प्लस 10 i। पहले यहां तक करिए पहले, और उसके बाद इसी इक्वेशन से हैंस फाइंड ए इनवर्स। मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है आपको। ए इनवर्स का फॉर्मूला
ये इनवर्स का फॉर्मूला से नहीं, इस इक्वेशन से इनवर्स निकालना है। सॉल्व करी चलिए। पहले स्क्वायर निकालिए इनटू ए, निकला करो पहले ए स्क्वायर निकालो पहले, फिर 11 ए निकालो, फिर 10 आई निकालो, फिर सबका वैल्यू पुट करो, देखो सब जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्राई करो चलो। कोस 18 ट्राई करो आप लोग। पहले यहाँ तक करिए, जैसे 17 में कितने पहले हम लोग, ठीक है, ए स्क्वायर निकालिए, 11 ए निकालिए, 10 आई निकालिए, तो देखिए सब जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले यहाँ तक करिए, फिर अंदर आगे बताएंगे क्या करना है आपको।
वो आप लोग स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए इसके बाद 24, 16, 25, 4, minus 8, minus 10, minus 4, minus 10, minus 8, minus 4, minus 8, minus 10, minus 4, 4, 4, 4. Forty-five, forty-four, twenty-two, forty-four, forty-five, twenty-two, 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 twelve. A square. ठीक है? सौरभ को बुला लो ना फोन करके यार, आ जाएगा 2 मिनट में। हमेशा तो बुलाते हो। हो गया था स्क्वायर, उसके 11 ही निकालिए। हो गया स्क्वायर, उसके बाद 11 ही निकालिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? 10 आई, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस 11 ए प्लस 10 आई।
इतना तक बोले गुड डाउट है यहाँ तक ए स्क्वायर माइनस 11 ए प्लस 10 आई तो 45 माइनस 55 प्लस 10 तो 45 माइनस 55 प्लस 10 जीरो हो गया 44 माइनस 44 जीरो हो गया माइनस 22 माइनस माइनस 22 जीरो हो गया सब जीरो हो गया यहाँ ठीक है। अब इसके बाद इसी इक्वेशन को यूज करके क्या करना है आपको इनवर्स निकालना है यहाँ तक तो कर चुके थे पहले भी आप ठीक है तो आई को इधर रख दीजिए तो माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अच्छा नल मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स में कुछ भी ऐड करो सेम आता है फॉर्मूला लिख लीजिए नल मैट्रिक्स में अगर आप कुछ भी ऐड करो क्या आएगा आपका O प्लस ए क्या होता है ए होता है नल मैट्रिक्स में कुछ भी ऐड करो क्या आएगा आपका सेम मैट्रिक्स आएगा ठीक है। तो O प्लस 11 ए कितना हो जाएगा बताइए 11 ए माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड बाय इनवर्स दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कीजिए इनवर्स से इसी इक्वेशन से इनवर्स निकालना है आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला से नहीं तो 10 आई इंटू इनवर्स 11 ए इंटू इनवर्स ए स्क्वायर इंटू इनवर्स तो आई इंटू इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए ए इनवर्स और ए इंटू इनवर्स क्या हो जाएगा आई और ए स्क्वायर इंटू इनवर्स क्या हो जाएगा ए समझ गए। तो 11 आई निकाल लीजिए पहले 11 आई कितना हो जाएगा बताइए 11 0 0 0 11 0 0 0 और ए माइनस कर दीजिए इसमें ए कितना है 5 4 माइनस 2 4 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 ये माइनस कर दीजिए और 10 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर 1 बाय 10 11 माइनस 5 कितना हो गया 6 0 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 4 0 माइनस माइनस 2 2 0 माइनस 4 माइनस 4 11 माइनस 5 6 0 माइनस माइनस 2 2 0 माइनस माइनस 2 2 0 माइनस माइनस 2 2 11 माइनस 2 9 ये आंसर हो जाएगा समझे कैसे करना है डाउट इसमें बोलिए वैसे 90 नंबर भी है सेम टू सेम सॉल्व करें 90 नंबर आप लोग पहले इसको निकाल लीजिए इनटू ए प्लेस को निकाल लीजिए इन टू ए ठीक है O प्लस ए कितना होता है ये होता है नल मैट्रिक्स कुछ भी बिल्कुल सेम आएगा ठीक है। चलिए 90 ट्राई करिए टीवी अपना नहीं चलेगा क्या केबल कटाया हुआ है तो
एक मिनट, टीवी क्यों चलाना है तुमको? Thank you.
What about magnetism? Hello. Doubt is over there. यहाँ तो आप लोग पहले बताइए ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू आई इक्वल टू ओ मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड बाय इनवर्स ठीक है फिर इसके बाद आई इंटू इनवर्स कितना हो गया इनवर्स ए इंटू इनवर्स कितना हो गया आई और ए स्क्वायर इंटू इनवर्स कितना हो गया ए तो थ्री जीरो 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 थ्री जीरो ए कितना बताइए वन जीरो माइनस टू 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 फोर जीरो जीरो टू थ्री माइनस वन कितना हो गया बताइए टू जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस टू टू जीरो माइनस टू थ्री माइनस टू वन जीरो माइनस फोर जीरो जीरो
वन तो ए इनवर्स कितना आएगा बताइए, फिर वन बाई टू, टू जीरो टू माइनस टू वन फोर माइनस फोर जीरो जीरो वन, आंसर हो गया। समझ गए कैसे करना है? बोलिए डाउट इसमें। ट्वेंटी सिक्स नंबर देखिए, ट्वेंटी सिक्स नंबर देखिए, ट्वेंटी सिक्स देखिए, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड, माइनस फोर वाई माइनस फोर जेड इक्वल टू माइनस टू, टू टू को राइट में लीजिए और एक्स प्लस जेड कितना लीजिए, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए पहले, ठीक है दस, इसको ए ले लीजिए, इसको एक्स ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, तो ए एक्स इक्वल बी, तो एक्स इतना हो जाएगा फिर ए इनवर्स बी, अब इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए एक्स बी तो एक्स इतना हो गया इनवर्स बी, अब ए कितना है जीरो माइनस फोर, जीरो वन माइनस फोर वन जीरो वन, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वन बाई डिटरमिनेंट इन टू एडजॉइंट ए, तो ए डिटरमिनेंट निकालिए पहले फिर एडजॉइंट ए निकालिए, ठीक है करिए इसके आगे आप लोग, कल कराए थे आप लोग लास्ट क्लास में, ए इनवर्स ट्राई करिए आप लोग, ट्राई करो इसको,
कैसे ना है सुबह सुबह शाम को लेट छुट्टी नहीं हो क्या? कल भी छुट्टी चार दिन हेलो हुआ सुब्रम बोलिए। हेलो हाँ लोग बोलिए। टू जिस रो में रो चला गया कॉलम चला गया फर्स्ट एलिमेंट टू है। टू जिस रो में रो चला गया कॉलम चला गया कितना बचेगा? वन माइनस फोर जीरो वन माइनस माइनस थ्री। और जिस रो में रो चला गया कॉलम चला गया जीरो माइनस फोर वन वन प्लस वन प्लस फोर। फिर जिस रो में रो चला गया कॉलम चला गया कितना बचेगा बताइए? फिर जीरो वन वन जीरो वन माइनस जीरो जीरो माइनस माइनस फोर
प्लस फोर, जीरो माइनस वन टू हो गया, ट्वेल्व हो गया, फोर हो गया, टेन आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे है बताइए। हेलो, हाँ तो आ जाइए, दे दीजिए आप, अंदर आने देगा तो अंदर आने, आ जाइए। ब्लॉक 65C। हेलो, हाँ सत्तू नहीं मिला था, कोई वेक्टर निकालिए। तो देखिए साइन याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है बताइए, टू जी सर रो में चला गया, कॉलम चला गया, तो कितना बचेगा, वन माइनस फोर जीरो वन, फिर उसके बाद माइनस ही चला गया, रो चला गया कॉलम चला गया, जीरो माइनस फोर वन वन, फिर लास्ट वाला क्या है देखिए, जीरो वन वन जीरो। फिर सेकंड वाला देखिए, टू फोर वन वन, फिर नहीं नहीं माइनस थ्री फोर जीरो वन होगा ना, माइनस थ्री फोर माइनस थ्री फोर जीरो वन, फिर इसके बाद टू फोर वन वन, फिर इसके बाद टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री वन जीरो, लास्ट में देखिए माइनस थ्री फोर वन माइनस फोर, फिर इसके बाद देखिए टू फोर जीरो माइनस फोर, फिर इसके बाद देखिए टू माइनस थ्री जीरो वन, इसको सॉल्व कर लीजिए। वन माइनस माइनस वन माइनस प्लस जीरो, जीरो माइनस माइनस प्लस फोर, यहाँ पे जीरो माइनस वन माइनस थ्री माइनस जीरो, टू माइनस फोर जीरो प्लस थ्री ट्वेल्व, माइनस फोर माइनस एट माइनस जीरो, टू प्लस जीरो, ठीक है। था ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस,
ठीक है ना। इसके बाद देखिए कितना आएगा, वन माइनस फोर माइनस वन, वन माइनस फोर माइनस वन, थ्री माइनस टू माइनस थ्री, एटी टू, इसको ट्रांसपोज करिए, वन माइनस फोर माइनस वन, थ्री माइनस टू माइनस थ्री, एटी टू, यू गेट एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, वन बाई डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट है, वन बाई टेन, वन थ्री एट माइनस फोर माइनस टू एट, माइनस वन माइनस थ्री टू, ठीक है। अब फ्रॉम वन एक्स क्या बता दिए, ए इनवर्स की बी कितना बताइए, माइनस फोर माइनस टू जीरो, तो वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स प्लस जीरो, माइनस फोर इंटू माइनस फोर सिक्सटीन, प्लस फोर प्लस जीरो फोर, प्लस सिक्स प्लस जीरो तो माइनस वन टू वन, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए एक्स आ गया इनवर्स बी, इनवर्स आ गया बी आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस टेन ट्वेंटी टेन, तो माइनस वन टू वन, तो एक्स कितना हो गया माइनस वन, वाई कितना हो गया टू, जेड कितना हो गया वन, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद देखिए ट्वेंटी नाइन, हो गया सबका। नेक्स्ट है ट्वेंटी नाइन, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो ए कितना दिया, देखिए यहाँ पे वन बाई थ्री माइनस फोर माइनस वन टू,
तो वन बाई सेवन में से कितना वन बाई नाइन, और इसका रो इसका कॉलम क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस टू ऐसे हो जाएगा, माइनस टू वन टू ऐसे हो जाएगा, टू टू वन ऐसे हो जाएगा, और रो क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा वन बाई थ्री नाइन हो गया। माइनस वन टू माइनस वन कितना हो गया वन प्लस फोर प्लस फोर, तो माइनस वन टू माइनस टू टू प्लस टू माइनस फोर, माइनस वन टू टू माइनस टू प्लस फोर माइनस टू, तो माइनस टू इंटू माइनस वन टू टू माइनस फोर, माइनस टू इंटू माइनस टू फोर वन फोर, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर प्लस टू प्लस टू, टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस फोर माइनस टू, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर प्लस टू प्लस टू, टू इंटू टू फोर प्लस फोर प्लस वन। हैंस क्या होगा बताइए, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, समझ गए, 100 01 इसका लू आई आ गया, तो मैट्रिक्स क्या हो गया इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ट्वेंटी एट नंबर, ट्वेंटी सेवन एक जैसा ही है, देखिए ट्वेंटी सेवन देखिए, ट्वेंटी सेवन देखिए, ये इन्वर्स ना दे रहे हैं यहाँ पे, ट्वेंटी सेवन देखिए ए इनवर्स दिया हुआ है, फोर माइनस फाइव फाइव सिक्स, ए निकालना है मतलब क्या हो गया ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाल दो, ठीक है, लेट ए इनवर्स को बी ले लीजिए, तो ए इक्वल कितना हो गया इसका मतलब बी इनवर्स, बार बार आपको इन्वर्स नहीं लिखना पड़ेगा, तो इन्वर्स को बी ले लीजिए, तो एज कल क्या होगा बी इन्वर्स, अब बी कितना बताए यहाँ पे ए इन्वर्स को बी लिए थे, तो बी कितना हो गया फोर माइनस फाइव फाइव सिक्स, ठीक है, मतलब ए इन्वर्स ए का एज कल क्या होगा इन्वर्स का इन्वर्स, तो ए इन्वर्स को बी ले लीजिए, तो एज कल इंटू एडजॉइंट बी, कैसे निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए बस, तो बी डिटरमिनेंट कितना आएगा बताइए फोर माइनस फाइव फाइव सिक्स, ट्वेंटी फोर माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन, और कोफैक्टर भी निकालिए पहले प्लस माइनस माइनस प्लस, तो फोर का पॉजिटिव है सिक्स है, माइनस फाइव का पॉजिटिव फाइव है, फाइव का पॉजिटिव माइनस फाइव है, सिक्स का पॉजिटिव है फोर है, सिक्स माइनस फाइव फाइव फोर, सिक्स माइनस फाइव फाइव, वन बाई फोर्टी नाइन, सिक्स फाइव माइनस फाइव फोर,
ठीक है। तो ये अब कहीं हो गया फिर, ठीक है। बी इनवर्स यही अब क्या हो गया फिर, ये हो गया बस, ऑल होमवर्क रहेगा, ठीक है। और कोई बचा नहीं है, 20 भी सेम है। नेक्स्ट फ्राइडे रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं, बाय। गुड आफ्टरनून, बोलिए सिमरन मेगांका।